सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नुमः। प्यारे भक्तों, आप सभी को भगवान कृष्णचंद्र की परम कृपा के फलस्वरूप जो पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा है उसको आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुमको भगवान की प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए वह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रतिष्ठा अगर हम नहीं करते हैं तो वह केवल धातु मात्र ही रहता है, इसलिए प्रतिष्ठा करके भगवान का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले वेद मंत्रों के जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और उनसे शुभ मुहूर्त को निकलवा करके और आगे की क्रियाओं को संपन्न कराना चाहिए। इस मूर्ति में प्राण रहें ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए और इस प्रतिमा के देवत्व आने के लिए यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा हवन इत्यादि कार्य को भी कराना चाहिए। इस प्रतिमा में प्राणों का संचार हो, पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ, अर्थात गंगादि तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ शुद्ध जल भगवान को स्नान कराना चाहिए, फिर अग्नि से उस जो मूर्ति है उसको तपन कराना चाहिए, इसके बाद में पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा कह करके गंगा आदि नदियाँ जो हैं उनके द्वारा लाया हुआ जल, उस जल से भी स्नान कराना चाहिए। ऐसा कहने के उपरांत में फिर भगवान की समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हेतु आपको दो वस्त्र भगवान को अर्पण करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। वस्त्रों के विषय में आप ध्यान देंगे कि पीतांबर हो तो अत्यधिक भगवान को प्रिय है, क्योंकि भगवान पीतांबर अत्यधिक स्नेह से ग्रहण करते हैं। और इसके बाद में एक वस्त्र के रूप में अंगोछा इत्यादि भी अर्पण करना चाहिए। तदुपरांत यज्ञोपवीत धारण कराना चाहिए, इत्र शेंट कुमकुम इत्यादि से भगवान को सुशोभित करना चाहिए। श्रेष्ठ और सुगंधित पुष्प भगवान की सेवा में समर्पण करना चाहिए, उनसे भगवान का पूजन करना चाहिए और ऐसा कह करके चंदन लगाएं कि हे प्रभु, जिस तरह से ये चंदन की शीतलता आपको पवित्र कर रही है, आपको आनंद दे रही है, आपके समस्त प्रकार के जितने भी विकार हैं जीव के, उन विकारों को आप हरण कर लीजिए और इस चंदन को आप ग्रहण कीजिएगा, ऐसा कहना चाहिए। इसके बाद भगवान को अक्षत समर्पित करना चाहिए। अक्षत के विषय में ध्यान ये देना है कि वह चावल वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। और इसके बाद में भगवान के जो नाम हैं उन नामों का उच्चारण भी कराना चाहिए। चतुर्थ विभक्ति लगा करके प्रत्येक अंग की भगवान की पूजा करें और पुष्प इत्यादि से भगवान का पूजन करना चाहिए, पुष्प समर्पित करना चाहिए, पुष्पों को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं या भगवान कृष्ण जो हैं, इनके साथ में जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों को पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं। और शक्ति कोई भी हो प्यारे, जो भी शक्ति है उस शक्ति को पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं। और हमारे यहाँ कहा भी गया है, लक्ष्मी बसति पुष्पे, अर्थात लक्ष्मी जो है, जो धन है, जो ऐश है, जो कीर्ति है, जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, जो मान है, ये सब कहाँ पे बसता है? बोले भगवान को जब हम पुष्प समर्पित करेंगे
तो हमारे जीवन में यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा आएगी, और जब मान सम्मान प्रतिष्ठा जीवन में आएगी तो जीवन में आ रहे अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो छूमंतर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी। तो पुरुषोत्तम मास के पावन पवित्र मास में भगवान हरि के कहने पर नारद जी ने भी भक्तों को बताया है। उधर सौनक आज 88,000 ऋषि श्री सूति जी महाराज से प्रश्न करते हैं, वह भी भगवान की दिव्य कथा सुनाते हैं। इधर भगवान की दिव्य कथा को वाल्मीकि ऋषि भी सुना रहे हैं। अनेक अनेक स्थानों पर अनेक अनेक संत अपने अपने मतानुसार भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करा रहे हैं, और हम भी अपनी वाणी के द्वारा यथा योग्यता के द्वारा आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से भगवान की दिव्य कथा में गोते लगवाने का प्रयास कर रहा हूं। और एक भी व्यक्ति इस कथा के माध्यम से लाभान्वित हुआ तो मैं ये समझूंगा कि मेरी इस यूट्यूब के माध्यम से कथा कहना सार्थक हुआ, आप सभी को लाभ प्राप्त हुआ। फिर मिलते हैं आगे के प्रसंग में, आगे की मंगल और दिव्य कथा में। तब तक भगवान राधा कृष्ण की दिव्य युगल जोड़ी को अपने हृदय में स्थापित करके उन्हीं के गुणानुवाद को गाते रहें, राधा कृष्ण राधा कृष्ण के परम पवित्र नामों का उच्चारण करते रहें, और इस जीवन रूपी भवसागर से तरने के लिए परमात्मा का नाम ही एक साधन है, एक आश्रय है। मिलते हैं फिर दूसरे और पवित्र कथा की ओर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगा।